हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स। और मेरे न्यू ब्लॉग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और फ्रेंड्स, अभी टाइम हो रहा है शाम के 5 बज रहे हैं, और बाहर एक अंकल आते हैं ना, छोले लेकर आते हैं, बेचते हैं गली गली में घूमकर, छोले और पानी पूरी वो ठेले पे लेकर ना आते हैं। तो सोनाली आई, करी मम्मी पैसे दे दो, मैं छोले लेकर आती हूँ। तो बस वो लेकर गई है पैसे, अभी उसको दी हूँ, और बस चलते हैं बाहर और फिर खाते हैं। गांव का छोले पकौड़ी समोसे इतना टेस्टी लग रहा है ना, इतना टेस्टी, मतलब हम लोग डेली ही एक दिन दो दिन जब भी कोई मार्केट जा रहा है तब खा रहे हैं, लेकिन फिर भी मतलब ना हैवी नहीं लग रहा, इतना ज्यादा टेस्टी लग रहा है। छोले वाले जो अंकल है आ गए हैं, वो हफ्ते में 2-3 दिन आते हैं, तो उधर पता करके आए, भाभी का बेटा है ना, वो पता करके आए, तेरा बुआ आए हुए हैं वो। मैं बोली जाओ रुकवाओ उनको, तो सोनाली लेकर गई है पैसे। तो चलिए बाहर चलते हैं, भाभी भी सब लोग बैठे हैं बाहर ही। कितने का लोगे? खाओगे बाबू तुम भी? हाँ। पूछ लेना कितने का देंगे। 10 का 6 दे दे। 10 का 6 दे रहे ना, 30 ले लेना, 30 के ले लेना। छोले खाई कि पानी पूरी खाई? पानी पूरी खाओगे? 30 के ले लेना पानी पूरी, ठीक है? और 10-20 के छोले ले लेना। बोले बाबू भी खाएगी, ये भाभी की ना नतनी है ये। मिल गए बाबू, कितना का ले ला लोगन? 30 का ले ला है? ये तो कम लगा था बाबू। 30 का ना होगी। हाँ ये ला कौन? 10 का 6 मुझे ला कौन? अरे 10 का 6 तो कट काने ना, ज़्यादा ले लिया, 30 का ले लिया लोगन। हाँ 30 का है। चलो ठीक है। अरे वाह, एक कटोरा चाहिए वो छोला लाने के लिए। जा ले ला कटोरा, ले ला घर में से। ये देखिए यहाँ पे ऐसे छोले चटपटे से मिलते हैं ना, एकदम गरम गरम है, एकदम गीले गीले, बड़े मजे आते हैं खाने में। जा और लेकर आ जा लोगन, तब खा ले, ठीक है? के छोला खाई के पानी पूरी खाई? दो दो चार छह प्लेट छोले। छोले अलग से लिया है क्या सोना ने? ये छोले अलग से लिया है, पानी पूरी है। हमने छोले खाने लगे हैं हम लोग, पानी पूरी है, पानी पूरी बच्चे खाएंगे, सोना खाएगी, अभी वो लोग आएंगे ना तो खाएंगे। अभी हम लोग गर्मा गर्म छोले खा रहे हैं, नहीं तो ठंडा हो जाएगा ना मम्मी। बड़ा ज्यादा चटपटा है। कितने का है ये पत्तल मम्मी? 5 का? 5 का देखिए, इतना सा मतलब बहुत है, फिर भी मतलब 5 का तो मिलता भी नहीं हमारे यहाँ पे कुछ भी, ये बहुत मजा आता है। हाँ इसमें ना ये वाला छोला अलग से मिला ये, और ये पानी पूरी के साथ खाने वाला ये वाले छोले, यहाँ पे फुलकी बोला जाता है ना मम्मी, फुलकी के साथ ये वाला खाने के लिए पानी पूरी। ये रहा इमली वाला पानी, अभी बच्चों को खिलाते हैं, देते हैं फोड़ के सारों को। ये देखिए गाइस, यहाँ पे इतनी सारी बकरी है ना, ढेर सारी बकरी है ना, भाभी की भी बकरी है ना, एक दो तो वो भी यहाँ पे लेकर आई है, छोड़ी है यहीं पे बकरी, और बहुत सारी बकरियाँ हैं। बाबू रो रहे थे ना, तो भाभी बोली इधर ही लेकर आ जाओ इसको भी। चलो जाओगे अंदर बकरी चराओगे? ये देखिए बहुत सारी बकरियाँ इधर भी घूम रही हैं, इधर भी ये सब है। ये देखिए एक भाभी की बकरी ये वाली है, माऊ कर दो, माऊ भगा दो। और एक भाभी की बकरी ये वाली है, और इधर देखिए इतनी सारी बकरी हैं सारी। ये चाचा है ना, वो भी चरा रहे हैं, देखिए वहाँ पे बैठे हैं ना सभी लोग, तो शाम को सब लोग अपनी बकरियों को लेकर ना, बकरी गाय वो सब लोग लेकर आते हैं चराने के लिए। आम ऊपर फरे हुए सारे, तोड़ा जा रहा है इस तरीके से अचार बनाने के लिए। ये देखे कच्चे ही है लेकिन। सुन एकदम जैसे लग रहा है ना कि इसको सुन्न का टीका लगा हुआ है, एकदम सुन्न हो गई है। कौन कौन है ये? पूजा है, रूमा, सोनाली और पतन कौन है? एक लवली लग रही है ना भाभी, चारों आ रही हैं घूमने के लिए, इनको बोले चलो तो आई नहीं है, सब अभी आ रही। गांव के बीचों बीच ना जंगल टाइप का है ये,
एकदम शांति है यहाँ पे। और यहाँ पे ना एक चाची लगती है ना, उनका घर भी है, मैं दिखाती हूँ। देखिए ये चाची का ना घर है, गांव हमारा उधर है, उधर साइड में है, सबका गांव किनारे किनारे है, बीच में खेत है। और ये चाची का इकलौता घर है ना, ये खेत के बीच में बनाया है इन्होंने, और ये पूरा जंगल टाइप का है। बड़ा ही ज़्यादा अच्छा लगता है यहाँ पे। यहाँ पे कभी कभी आते हैं, चाची के यहाँ कोई काम उम रहता तो आते हैं, वैसे घूमने के लिए आते हैं, लेकिन ज़्यादा कोई नहीं आता है इधर साइड में, बहुत कम लोग आते हैं। हम लोग आते हैं, जब भी आते हैं हम लोग तो घूमने के लिए आते ही हैं। तो ये है छोटा वाला भीटा है, और वहाँ पे देखिए ना तो एक और ऐसी जंगल जैसा है, तो वहाँ पे वो बड़ा वाला भीटा, जैसे हम पिछली बार जब गए थे ना आम तोड़ने के लिए, आप लोगों को पिछली बार जब हम लोग गांव में आए थे ना, तो वाला ब्लॉग देखेंगे ना तो उसमें दिखेगा आप लोगों को। हाँ पूजा मौसी पके पके पाई है, देख ये पूजा पका हम पाई है क्या? बक सही में दिखा, दिखा ना, दिखा ना, मुँह में डाल के निकालिए। सच में तो देख देख तो नहीं रहा है पका हुआ, पका देख ही नहीं रहा, पेड़ पे एक भी आम नहीं दिख रहा। और ये देखिए, अरे वो दे जाना, एकदम डाल का पका हुआ टूटा हुआ आम, खा के देखिए पूजा ना। ठीक है आधा हिस्सा तो लगाइबा करवा, इसमें रियल कलर नहीं आता मोबाइल में ना, देखो ऐसे कितना ऑरेंज ऑरेंज सा लग रहा है। ये देखिए पूरा सूख गया पोखरा, इसमें ना सिंघाड़े उगाए जाते हैं, बरसात में पूरा ये भरा रहता है। अभी देखिए फर्स्ट टाइम मैं देख रही हूँ, एकदम खाली। इसमें से मिट्टी लेकर जाते हैं, चूलू लिपना होता है ना, बहुत ही अच्छी मिट्टी होती है ये, सफ़ेद वाली मिट्टी जो होती है ना, एकदम लिप दो ना एकदम व्हाइट हो जाता है ऐसा। अरे दीदी ला 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 ला, अरे बताओ एक आम के लिए तू तू बहन से लड़ाई करेगी? हम तो बता, ये आम बहुत अनमोल है, बहुत टेस्टी होगा, मुझे पता है ना पेड़ का आम। चलो पूजा पे धो के खाते हैं, ठीक है। चाची का मिट्टी का घर बहुत खूबसूरत है, ये देखिए चूल्हा, गांव का जो पुराने चूल्हे होते थे पहले ऐसे ही बने रहते थे ना हमारे घरों पे, ऐसे चूल्हा। और ये देखिए तरकुल का पेड़ है, और कितना खूबसूरत एकदम साफ सुथरा रखती, बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। यहाँ पे उनकी एक ना भैंसिया भी है, देखो भैंसिया उसके बच्चे, और यहीं से दूध लेकर जाते हैं हम चाची के यहाँ से। पूजा ये सुना दे, आइसक्रीम वाला जा रहा है, ले लो कहा है क्या लेकर आओ आइसक्रीम, पूछे हो उनसे अच्छा तो लेकर आ गए, एक हम लेकर आए, लेकर आओ आइसक्रीम। नहीं बाबू खराब ही होगा, पता नहीं कौन सा होगा, बर्फ ना, लेकर आओ या नहीं, वहाँ पे आए वो जाएगी ले और बताऊंगी पैसे, कितना नहीं दे 40 रुपए ले दिए, नहीं दे 5-5 वाला ले आइयो मिलेगा तो, इतना तो अपने बच्चे को। ये वाली आइसक्रीम मिली है यहाँ पे, एक निखिल लाए चॉकलेट वाली, बाकी ये 3 लेकर आई, ये 3 रुपए की एक आइसक्रीम मिली है। सोनाली 3 ले 4 कितना लेकर आई थी सोना? 3-4 लेकर आई थी, ये अच्छी लग रही है, बट टेस्टी है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अभी हो गई है सुबह, टाइम हो रहा है 6:10 बाकी है, उठी मैं 5:30 आज उठी हूँ, वैसे तो 5 डेली उठ जाती हूँ, 5:30 उठी हूँ, और ब्रश वगैरह तो नहीं किया, ब्रश नहीं किया, दातून किया है मैंने। मैं सोची जितने दिन रहती हूँ ना तो थोड़ा दातून कर लेती हूँ, अच्छा होता है दांत के लिए ना, दांत मजबूत हो जाते हैं, तो दातून ही किया है मैंने। और मम्मी लगी हुई है खेत में, तो सारा आधा से ज़्यादा तो धान हमारा ना संडा कर गया है, नॉर्मल जो धान होते हैं ना बारीक वाले, बिल्कुल वही वाला रोपा गया है। और आधा इस बार ना मम्मी रोप रही हैं, ये बासमती राइस रोप रही हैं, करित इसको डाल देंगे, इसका बीज जो बिया निकल जाएगी ना, एक एक बित्ते दो दो बित्ते की हो जाएगी ना, तो बिया ही पूरे खेत में जितना आएगा ना उतना रोपा जाएगा। तो कर रही थी मम्मी कि देखते हैं इस बार थोड़ा सा रोप के देखेंगे, अच्छा अगर राइस निकला ना, चावल अच्छा हुआ ना, तो कर रही थी मम्मी कि अगले साल ज़्यादा रोपेंगे। तो यही देखिए ना यहाँ पे दिखा रहे थे ना, तो बासमती चावल का ये धान है, तो इसको मम्मी भिगो के रखी थी 2 दिन से, थोड़ा ये ना स्प्राउट जैसा निकल गया है ना, अब इसको खेत बना दिया है वहाँ पे राखों डाल के, तो उसे मम्मी डालने जा रही हैं।
तो इस बार देखेंगे अच्छा होगा बासमती चावल, इस बार तो फिर अच्छा रहेगा ना, घर का बासमती चावल खाने के लिए मिलेगा। मैं आ गई हूँ किचन में, चाय पीना हो गया, बच्चे लोग भी उठ गए हैं और बस हम लोग बनाने लगे हैं खाना। और आज खाने में बन रहा है छोले और पूरी बन रही है। छोले के साथ ना पूरी बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, तो छोले पूरी बनेगा। और तू बनने के लिए रख दिया है, वहां पे तो इतनी सीटी लगानी पड़ती है, इतनी सीटी लगानी पड़ती है ना, तब जाके गलता है। यहाँ पे मम्मी बोली कि सीटी मत लगाओ नहीं तो एकदम भूल जाएगा, तो बस मैंने ना सिर्फ हल्का सा छुनछुनाने लगा है ना, ये देखिए जैसे सीटी निकलती, क्या बोलते हैं, छुनछुनाने लगता है, छनछनाने लगा ना, तभी मैंने बंद कर दिया। मम्मी कही कि ज्यादा एक सीटी भी लग गई तो एकदम गल जाएगा। देखिए तो चावल हो गया है साफ, देखिए तो हमारा टेस्टी सा मजेदार सा छोले भी बन के रेडी हो गया, एकदम पूरी चावल के साथ खाने वाला है। बस इसमें अब हम डाल देते हैं ढेर सारी धनिया। बस हमारा छोले चावल बन के रेडी हो गया है। पूरी का आटा भी देखिए तो ये आटा गूंथ गया है, इतनी पूरियां मैंने बेल दिया है, तो बस पूजा इधर बेलती जाएगी, मैं जो है पूरियां निकालती जाऊंगी। हमारा खाना बन गया है और मैं देखिए तो अपना नाश्ता लेकर आ गई हूँ, तो आज नाश्ते में यही खाया जाएगा, छोले पूरी और साथ में चाय लेकर आ गई, तो दो पूड़ियाँ और छोले। तो चलिए नाश्ता कर लेती हूँ गर्मा गर्म, आज पूड़ी और छोले। तो फ्रेंड्स नाश्ता तो हमारा हो गया है और धूप इतनी ज़्यादा तेज हो रही है जिसकी वजह से ना एकदम से टैनिंग बहुत ज़्यादा हो गई, पूरे फेस पे बॉडी पे ना एकदम से बहुत ज़्यादा सन टैन हो गया है, तो इसी वजह से देखिए ना तो मैं ना पैक जो है कि बना के रखी हूँ, तो अभी जा रही हूँ नहाने, तो उससे पहले ना मैं सोची पैक लगा लेती हूँ, तो मैं भी लगाऊंगी, सुना करी मम्मी मुझे भी लगा दो, तो इसको भी लगाने जा रही हूँ, तो पहले इसको लगा देती फिर मैं भी लगाती हूँ। खुशबू आ रही है ना, मुझे इतनी अच्छा महकता है ना ये मुल्तानी मिट्टी ना, मन करता है ना बस थोड़ा सा ना खा लूं, मैं भी लगा लेती हूँ ना, शीशा दिख नहीं रहा, मैं ऐसे ही मोबाइल में देख के लगा लेती हूँ। हमारा फेस पैक तो लग गया है, बस इसको 15 से 20 मिनट ऐसे रहने दूंगी और जब सूख जाएगा इसके बाद फेस को अच्छे से वॉश कर लेंगे, उसके बाद नहाए आएंगे। तो सुना भी देखिए आराम से ये सोई हुई है पूरा चिल मूड में, मैं भी थोड़ा देर ना आराम से ऐसे मैं भी बैठ जाती हूँ, सोऊंगी तो नहीं ऐसे लेट जाती हूँ। चलिए थोड़ा देर इसको ना अच्छे से सूखने देते हैं, फिर इसके बाद अच्छे से फेस को वॉश कर लूंगी।